कोई दिक्कत नहीं, बस मार्क्स के साथ साथ ये देखो कि मिस्टेक्स कहां हो रही है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, सफर की शुरुआत हुई है, बस मिस्टेक्स देख लो। देखो टेस्ट होना, नीट का एक दिन का एग्जाम होना है, नीट एक दिन होना है, 3 घंटे 20 मिनट में सब कुछ डिसाइड होना है, लेकिन उस एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम हम हर एक संडे को मिनिमम एक टेस्ट देंगे, तब जाके वो एक टेस्ट ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ सारी गलतियां सुधर चुकी होंगी, सारी गलतियां हम उसको अवॉइड कर सकते हैं उस एक एग्जाम में। सोचो ये एग्जाम कितना क्रूशियल हमारी लाइफ के लिए, नाम चेंज हो जाता है लोगों के, होते ना बिहेवियर चेंज हो जाते हैं लोगों के, आगे होता ना एक टशन आ जाता है, लोग सजेशन देना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब ब्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं, तो भाई ये सब कुछ एक दिन चेंज हो जाएगा, एक संडे ऐसा आएगा, एक संडे ऐसा आएगा जिस दिन हम सब लोग एक दूसरे से खुशी खुशी मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उस एक संडे को सेलिब्रेट करने के लिए जो ये लास्ट के मतलब 6-7-8 महीने के जो संडेज हैं वो बर्बाद करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे बर्बाद करने पड़ेंगे, इन द सेंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कोशिश करते हैं सिली एरर्स हो गए या जो भी अपने पास, एक बोल रहा है सर वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, बेटा ये बोलना आसान है लेकिन तुझे ही पता है रियलिटी यही है कि वन पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है ना। तो भैया ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, भले ही तुम जितना भागना चाहो भाग लो, लेकिन हाँ रियलिटी ये बातें तब बोली जाती है, जैसे मैं ये बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने से कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई मैं नहीं बन पा रहा, सीधी सी बात है। तो ये बातें जब तक कोशिश करते हैं जीतने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आजकल तो पता नहीं जो एनटीए वाले हैं या एनएमसी वाले, उनको थर्मोडायनेमिक्स आती ही नहीं है शायद, इसलिए वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। इस बार भी फॉर्मूला पूछ के छोड़ दिया था भाई, इस बार भी फॉर्मूला पूछ के छोड़ दिया, बोल रहा है कि फॉर्मूला दे दो, तो भाई ये देख लेंगे। 1/3 पोर्शन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी अब फिनिश हो चुकी है, सोचो अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है और 1/3 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी फिनिश हो चुकी है, कुछ दिन रुक जाओ पता चला 2/3 फिनिश हो गया और कुछ दिन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, क्योंकि अब धीरे धीरे हम सब लोगों की अपनी अपनी स्पीड आ जाती है, धीरे धीरे सब लोग अपना अपना एक तरीका बना लेते हैं पढ़ने का, ठीक है। तो जो लोग भी अब सब टीचर्स के साथ सेट हो चुके हैं, जो नए आए हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो सारे टीचर्स के साथ सेट हो चुके हैं, अपने अपने टीचर्स के साथ, बस अब आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सकता है टेस्ट देना है, पक्का आएंगे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत क्लास में करते हैं, लेकिन एनटीए वाले पता नहीं यार मेहनत के नाम पर कुछ करते ही नहीं है। इस बार का क्वेश्चन फॉर्मूला दे दिया, पिछली बार का क्वेश्चन फिर से फॉर्मूला दे दिया, उनको लगता है उनको पता नहीं, या तो उस बंदे को खुद ही नहीं आती थर्मोडायनेमिक्स शायद, इसलिए वो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दे रहा है, जबकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर अच्छे से क्वेश्चन बनाया जाए, पहले के टाइम के क्वेश्चंस देखो तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली हमें नहीं पता अगले साल एग्जाम में क्या होने वाला है, तुम्हें भी पता अगले साल काउंसलिंग का रूल बदल दिया गया है, अगले साल से काउंसलिंग कॉमन काउंसलिंग हो गई है, तो चीजें चेंजेस हो रही हैं, तो हाँ बेटा अभी पता चल जाएगा, कॉमन काउंसलिंग ये सब ना भी पता चलेगा, अगले साल तक आएंगे तो अपडेट मिलता रहेगा, डोंट वरी, आपको जब मौका मिलेगा उससे फायदा आप ही को है, अगर आपको मार्क्स मिलता है तो फायदा आप ही को होने वाला है, ठीक है। पहले एडमिशन तो आए, सिलेक्शन तो ले, फिर पता चलेगा ना कॉमन काउंसलिंग क्या होती है, अभी क्यों फालतू की एनर्जी वेस्ट करने जाए, ठीक है। अभी पहले सिलेक्शन लेते, पहले एक बार 650 पार करके देखते, फिर मिल जाएगा, ओके।